आज के वीडियो में सभी लोगों का स्वागत है। जैसे कि आप वीडियो का थंबनेल और वीडियो का टाइटल से पता चल ही रहा है आप लोगों को, ये वीडियो किस बारे में है। रिसेंटली ऑयल इंडिया की तरफ से एक जॉब रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आया था। आपका जॉब पोस्ट था जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर। बहुत सारे बच्चों ने मेरे को इस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए रिसोर्सेज के बारे में पूछा और पूछा कि हम लोग इस एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करें। तो आई ट्राइड रिसर्चिंग फॉर दिस एग्जाम। तो आई हैव अ हिस्ट्री इन एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रिपेरेशन, तो आई ट्राइड हेल्पिंग देम। आप उन लोगों को हेल्प करने के लिए थोड़ा अपने आप से रिसर्च करने लगा कि हम लोगों को इसके ऊपर रिलेटेड रिसोर्सेज क्या क्या मिल सकते हैं। तो मैंने दो बुक्स भी ऑर्डर की, एक महावीर पब्लिकेशन की थी, एक आर्यन की थी। उसके बाद यूट्यूब में भी, गूगल से भी सर्च करके अलग अलग जगहों में आई ट्राइड फाइंडिंग फॉर रेलिवेंट मटीरियल। और पकड़ लीजिए, सिर्फ रेलिवेंट मटेरियल नहीं, कहीं पे अगर इसको इसके बारे में बहुत अच्छे से आप लोग को डिस्क्राइब कर किया गया हो या बहुत अच्छे से आप लोग को एक्सप्लेन किया गया हो, आई ट्राइड सर्चिंग फॉर स्टफ लाइक दैट, बट वेरी सैडली मेरे को कहीं मिला नहीं एट द एंड ऑफ द डे। इसीलिए मैंने सोचा कि आई शुड कम अप विथ समथिंग जो मेरे बच्चों को एंड अदर पीपल हु आर अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाए। तो आई रिसर्च ऑन माई ओन एंड आई केम अप विद अ लॉट ऑफ यू नो वेज एंड अ लॉट ऑफ प्रिपेरेशन स्ट्रेटेजीज एंड अ लॉट ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर दिस एग्जाम, जो इस एग्जाम के 360 डिग्री प्रिपेरेशन के लिए, इस एग्जाम के लिए आप लोगों को एकदम 100% प्रिपेयर होने के लिए जो जो आप लोगों को रिसोर्सेज चाहिए होंगे, उन रिसोर्सेज को अवेलेबल कराने के लिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो सीरीज बना दी जाए। ठीक है, ये सीरीज आज से शुरू हो रही है और डेली आप लोगों को एक वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, उसके साथ एसोसिएटेड आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को ऐसे जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि जो पूरा सिलेबस है वो कवर किया जाएगा इन वीडियोस के थ्रू। ठीक है, उसके बाद जो भी रेलिवेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, आज आज भी हम लोग थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर ही लेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए होंगे इस एग्जाम में या ऐसे रिलेटेड एग्जाम्स में सिमिलर पैटर्न के, उन लोगों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर बेस कर करके हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट्स बनाए हैं। इन प्रैक्टिस सेट्स आप लोगों को अवेलेबल करा दिए जाएंगे। वीडियो लेक्चर्स हम मैं बोल चुका हूँ, डेली मैं एक वीडियो करके डालूंगा। अगर पकड़ लीजिए ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में डालने की ज़रूरत पड़े तो आई विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वीडियोज। ठीक है, तो सोच के चलते हैं कि हम लोग कुछ 1 महीने के अंदर अंदर इन पूरे जो पूरा जो सिलेबस है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए अगर पकड़ लीजिए आप लोगों को थोड़े ज़्यादा वीडियोस की ज़रूरत पड़ जाए, तो आई मेक श्योर दैट आई एम अवेलेबल एंड आई मेक द टाइम इनफ फॉर यू नो प्रोवाइडिंग यू द वीडियोस, और 1 महीने के अंदर अंदर, ताकि हम लोग इस सिलेबस को पूरा कवर कर पाए। ठीक है, उसके बाद एग्जाम स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों ने थोड़े मॉक टेस्ट प्रिपेयर कर किए हैं। ठीक है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एग्जाम के दिन पे आप गए, उसके बाद आप लोग को थोड़ा घबराहट सी होने लगी, तो ऐसे केसेस के चलते भी बहुत सारे एग्जाम स्टूडेंट्स का एग्जाम मतलब जितना वो लोग सोचते हैं वैसा नहीं हो पाता है कभी कभार। तो इसीलिए एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट, एग्जाम सेंट्रिक मॉक टेस्ट बहुत ही जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो सीरीज में आप लोगों को ये सारे कुछ मिल जाएगा। ठीक है, और इस वीडियो को आप लोगों को कैसे अवेल करना है ये हम लोग वीडियो के लास्ट में बता देंगे आप लोगों को। ठीक है, पहले देख लेते हैं हम लोग ये जॉब नोटिफिकेशन। नेक्स्ट स्लाइड में आप लोग को दिख ही रहा होगा कि ये जॉब नोटिफिकेशन का जो नोटिफिकेशन नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर है, वो आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसके बाद जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो सिर्फ आप लोगों के आसाम के डिब्रूगढ़, तिनसुकिया, शिवसागर और सराइडो डिस्ट्रिक्ट के हैं। उसके बाद अरुणाचल का एक डिस्ट्रिक्ट है चांगलांग। तो आप अगर इन एरिया से बिलोंग करते हैं, जो जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑयल अपना एक्सप्लोरेशन करता है, तभी आप लोग एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद जो ग्रेड है, ये Grade 3 का एक जॉब है। ठीक है, पे स्केल आपको दिया हुआ है स्क्रीन पर, 26,600 रुपये से 90,000 रुपये। ठीक है, पोस्ट का जो डिस्क्रिप्शन है, जूनियर असिस्टेंट क्लर्क कम कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है, आप लोगों को एसेंशियल क्वालिफिकेशंस क्या मांग रहा है अप्लाई करने के लिए, आप लोगों को 10+2 फ्रॉम एनी स्ट्रीम, गवर्नमेंट रिकग्नाइज बोर्ड, आप आर्ट्स से हो सकते हैं, साइंस से हो सकते हैं, आप कॉमर्स के हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों को 10+2 गवर्नमेंट रिकग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से करनी होगी। ठीक है, उसके साथ ही साथ बहुत जरूरी है पॉइंट नंबर 2 कि
आप लोगों को एक डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए होगा कंप्यूटर एप्लीकेशन का, ठीक है। डिप्लोमा पीजीडीसीए होता है, एजीडीसीए होता है, ठीक है। तो इन मतलब कंप्यूटर डिप्लोमा सर्टिफिकेट का अवेलेबिलिटी पर ही आप इस एग्जाम का अप्लीकेबल आप होंगे, ठीक है। तो 6 मंथ्स का कंप्यूटर डिप्लोमा चाहिए होगा और नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है 120 है, ये आप देख लीजिए अकॉर्डिंगली स्क्रीन पे आपके दिखा रहा है, ठीक है। कि और एक कैटेगरी के लिए कितने कितने अलॉटेड सीट्स हैं, एससी के लिए 8 है, एसटी के लिए 14 है, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर जो है उसके लिए 32 है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए 12 है और अनरिजर्व के लिए 54 है, ठीक है। अभी हम लोग आ जाते हैं एग्जाम के एनालिसिस पे, ठीक है। किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दो चीजें बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पहली चीज कि आप लोग एग्जाम को इनसाइड आउट जान लें, ठीक है। आप लोग जब एक एग्जाम को पूरी तरह से जानने की कोशिश कर लेंगे, तभी पूरी तरह से जान लेंगे कोशिश करने के बाद, तभी एक एग्जाम को आप उस एग्जाम में बैठेंगे तो आप लोग सेलेक्ट होने का आप लोगों का जो चांसेस है वो बढ़ जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरी जो चीज से एक एग्जाम के लिए एक एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए एक एग्जाम के को क्रैक कर पाने के लिए सबसे जरूरी जो है वो है एक चाहत होनी चाहिए आप लोगों को कि अंदर से कि ये एग्जाम जो है वो मैं क्रैक करूंगा ही अंदर एनी कंडीशन, ठीक है। आप लोग अपना 100% एफर्ट डालना पड़ेगा तभी एक एग्जाम फाइनली क्रैक होता है, ठीक है। और ये एक दिन का एफर्ट नहीं होता, 2 दिन का एफर्ट नहीं होता, ठीक है। ये एक लॉन्ग टाइम एफर्ट होता है, पकड़ लीजिए महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, ठीक है। आप लोगों को अपना स्टैमिना बनाए रखना है, अपना फोकस बनाए रखना है, तभी जाके एक एग्जाम क्लियर हो पाता है। तो ये मैं पहले बोल दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये फोकस और स्टैमिना जो है वो आप लोग को अपने आप से मेंटेन करना पड़ेगा, वो फोकस, ठीक है, वो डिटर्मिनेशन आप लोगों को खुद से मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं बीच बीच में आप लोगों को थोड़े हेल्प कर दूंगा, बता दूंगा कि आप लोगों का माइंडसेट कैसे रखना चाहिए। वीडियोस में आने वाले वीडियोस में मैं वो भी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। पहले आज के वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि ये जो एग्जाम को जानने के बारे में मैंने बताया, ठीक है, कि एग्जाम को एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए एग्जाम में क्या आने वाला है, कौन से क्वेश्चंस आते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस क्या है वहाँ पे, ठीक है, सब जानना बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए। तो इसको बोलते हैं एग्जाम पैरामीटर्स, ठीक है। तो आप लोगों का जो 100% मार्क है वो 20-20-60 फॉर्मेट में आप लोगों का डिवाइड किया गया है, ठीक है। 2:2:6, इसको 1:1:3 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो आप लोगों का टोटल क्वेश्चन जो है वो 100 क्वेश्चन है, तो 100% आपका हो गया 100 क्वेश्चन जो 2 घंटे में आप लोगों को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो समझ रहे हैं कि आप लोगों को एक सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अप्लाई मतलब अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, तभी आप लोग जाके इस एग्जाम को आप लोग क्लेरिफाई कर पाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का जो 20% है, जिसका मतलब है 20 क्वेश्चंस, वो आने वाले इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस एंड क्वेश्चंस ऑन ऑल इंडिया लिमिटेड, ठीक है। बाकी 20 क्वेश्चंस आपके आने वाले रीजनिंग, एरिथमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से। ये वाला सेक्शन मेरा बहुत ही फेवरेट सेक्शन है, हर एक एग्जाम में भी पूछता है, और ये सेक्शन आप लोग अच्छे से करेंगे तो बहुत सारे एग्जाम्स के लिए आप लोग कॉमन आ जाता है ये वाला सेक्शन, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड सेक्शन जो है जो सबसे ज्यादा वेटेज कैरी कर रहा है, ठीक है, तो वो है रेलिवेंट टेक्निकल नॉलेज, ठीक है। रेलिवेंट टेक्निकल नॉलेज आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपका ये हो जाएगा कंप्यूटर सब्जेक्ट, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस बोलते हैं इसके बारे में हम लोग, ठीक है। कंप्यूटर अवेयरनेस जो सब्जेक्ट है उस बहुत सबसे ज्यादा कैरी कर रहा है आपका वेटेज, ठीक है। और समझदार को तो इशारा ही काफी है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। जो लोग सीरियस सीरियस होंगे इस एग्जाम को देने के बारे में, तो मुझे पता है वो लोग सोच ही रहे होंगे कि सबसे बड़ा जो सबसे ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग हम लोग को टाइम देना चाहिए प्रिपरेशन में, वो हम लोगों को देना चाहिए है आपका कंप्यूटर अवेयरनेस में, ठीक है। तो आज के वीडियो में एक्चुअली हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं ये इस सब्जेक्ट के ऊपर ही होने वाला है। फ्यूचर के वीडियोज में हम लोग इक्वल लिए हम लोग मतलब आप लोगों का जो वेटेज है उसकी उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वीडियोस भी बनाएंगे, ठीक है। सबसे ज्यादा वीडियोस आप लोग कंप्यूटर अवेयरनेस में होने वाले हैं, ठीक है। और उसी रेशियो में 2:2:6 में रेशियो में हम लोग आपका रीजनिंग एंड अरिथमेटिक, न्यूमेरिकल, मेंटल एबिलिटी पे क्वेश्चंस बनाएंगे, ठीक है। हम लोग वीडियोस बनाएंगे, उसके बाद आप लोग का जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर भी हम लोग उसी रेशियो में वीडियोस बनाएंगे, ठीक है। और ये मैं बोल भी रहा हूँ और आप लोगों के लिए भी जरूरी है कि एक एग्जाम को हमेशा क्रैक करने के पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। तो इसके लिए आप लोगों को कभी इस स्पेसिफिक एग्जाम के लिए कंप्यूटर अवेयरनेस बहुत ही ज्यादा एसेंशियल हो जाता है, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपेयर किया कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस एग्जाम के लिए इन सारे जो
सेक्शंस में जो स्पेसिफिक टॉपिक्स हो सकते हैं उन लोगों का मैंने एक स्लाइड बना दिया है, ठीक है? आप लोग देख पा रहे होंगे इंग्लिश लैंग्वेज में ये लोग क्या क्या पूछते हैं, स्पेलिंग्स, एनोनिम्स, कॉमन एरर्स, स्पॉट द एरर, क्लोज पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, शफलिंग ऑफ सेंटेंस पार्ट्स, कन्वर्जन्स, सेंटेंस रीअरेंजमेंट्स, ग्रामर, शफलिंग ऑफ सेंटेंस इन अ पैसेज, इम्प्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस, देख पा रहे रीजनिंग में विजुअल मेमोरी, अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क पार्टनरशिप्स, पाइप्स एंड सिस्टम्स आते हैं, जनरल अवेयरनेस में फाइनेंस, ठीक है, फाइनेंशियल एंड रेलवे बजट, पब्लिक फाइनेंस, बिल्स, कॉन्सेप्ट ऑफ बजट्स, फंक्शंस ऑफ बैंक्स, टाइप्स ऑफ बैंक्स, ये सब सारे पूछेंगे आप लोगों को, ठीक है? ऐसा टॉपिक है, आप लोग एक काम कीजिएगा, इसका एक स्क्रीनशॉट लेके आप लोग नोट कर लीजिएगा, हर एक टॉपिक को आपको एक डिटेल में पढ़ाया जाएगा, हर एक टॉपिक को आपका टच किया जाएगा, एक वीडियोस खींचो, ठीक है? और आपके बाकी जो ये है क्या बोलते हैं, बाकी जो पैरामीटर्स है उन पे जनरल नॉलेज में क्या क्या क्वेश्चंस बनते हैं आप लोगों के, कौन से टॉपिक्स बनते हैं ये भी हम लोगों ने मेंशन कर दिया है, मेंटल एबिलिटी के कौन से आप लोगों के क्वेश्चंस बनते हैं, इनके टॉपिक्स जो है टॉपिक्स में डिवाइड करके हम लोगों ने बना दिया है, ठीक है? नॉन वर्बल रीजनिंग, विजुअल एबिलिटी, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, स्टेटमेंट एनालॉजीज, ठीक है? उसके बाद सबसे जरूरी जो पार्ट है कंप्यूटर ऑपरेशन, ठीक है? 60 क्वेश्चन जहाँ से आने वाले हैं उस ये वाला आप लोग बहुत ही ध्यान दे के गौर दे के देखिएगा, ठीक है? ये वाला सबसे जरूरी पार्ट है, ठीक है? चलिए आज आ जाते हैं, थोड़े क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं आज, ठीक है? इसके बारे में हम लोग और बात फर्दर बात करेंगे कि प्रिपरेशन स्ट्रेटेजीज के ऊपर, लेकिन आज थोड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन जो है कंप्यूटर अवेयरनेस सब्जेक्ट का, ठीक है, जो सब्जेक्ट आपका सबसे ज्यादा मार्क्स कैरी कर रहा है, तो वो है कि पैरिटी बिट्स आर यूज फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पजेस, ठीक है? तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर 3, टू डिटेक्ट एरर्स। पैरिटी बिट्स जो है वो एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का एक पार्ट है, ठीक है? तो जावा प्रोग्रामिंग में भी आपको मिल जाएगा पैरिटी बिट्स, ठीक है? ये चेक करता है कि पकड़ लीजिए जावा में होता है और पैरिटी, इवन पैरिटी करके, ये चेक करता है कि एक स्पेसिफिक नंबर ऑफ, अगर आप लोगों ने बिट्स ऑफ डेटा आप लोगों ने एक्वायर करने की कोशिश की थी तो वो ऑड नंबर है या इवन नंबर में है, और कितना अलाउ करना है उसको, उसके अकॉर्डिंग ये एरर एनालिसिस होता है, ठीक है? उसके बाद आज ये सेकेंड क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या पूछ रहा है, शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड टू प्रोवाइड सिंगल स्पेस लाइन, ठीक है? शॉर्टकट कीज के ऊपर आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे पकड़ लीजिए रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के भी और इस ऑयल इंडिया एग्जाम में भी बहुत सारे, ज्यादातर क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, बैंकिंग के एग्जाम्स में ज्यादातर क्वेश्चन आपके शॉर्टकट कीज के ऊपर बनते हैं, ठीक है? उसका एक रेलिवेंस भी है, इस बात का एक रेलिवेंस ये है कि पकड़ लीजिए आप जब पकड़ लीजिए इन सब नौकरियों को आप कर रहे होंगे तो आपको कम से कम टाइम स्पेंड करके आप लोगों को अपना जो भी आप लोगों का प्रोजेक्ट है वो बनाना पड़ेगा, जो भी आप लोगों का काम है वो उसको करना पड़ेगा, तो इसीलिए आप लोगों को कंप्यूटर के शॉर्टकट कीज जानना बहुत ही आवश्यक है और जरूरी है, तो इसीलिए बनता भी है इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन, ह्यूज चंक ऑफ क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन शॉर्टकट कीज, ठीक है? तो हमारा अभी का जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है आपको, सिंगल स्पेस लाइन, ठीक है? सिंगल स्पेस लाइन के लिए आपको जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल प्लस वन होता है, ठीक है? अब देख लीजिए इसमें, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल इंक्लूड कर दिया है, ठीक है? सिंगल स्पेस लाइन और डबल स्पेस लाइन के बीच में डिफरेंस, ठीक है? तो ये पहला जो पैराग्राफ है यहाँ पे आप लोगों का डबल स्पेस लाइन दिया हुआ है, ठीक है? डबल स्पेस लाइन दिया हुआ है और इसका जो शॉर्टकट की होता है, पकड़ लीजिए आप लोगों को डबल स्पेस लाइन का शॉर्टकट की पूछ लिया है, तो वो है कंट्रोल प्लस टू, ठीक है? और अभी वाला जो क्वेश्चन है वो ऐसा बनाता है, कंट्रोल प्लस वन आप लोग जब कंप्यूटर एक पैराग्राफ को चूज करके बाद करने के बाद कंट्रोल प्लस वन दबाएंगे तो आपका जो सिंगल स्पेसिंग होगा वो ऐसा कुछ दिखेगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, शॉर्टकट की इन एमएस वर्ड टू इंसर्ट करंट डे, ठीक है? सिर्फ फिर से एक शॉर्टकट के ऊपर आप लोगों का क्वेश्चन बन गया, ठीक है? एमएस वर्ड में करंट डेट इंसर्ट करने के लिए आपका शॉर्टकट की कौन सा बनता है, वो होता है शिफ्ट प्लस ऑल्ट प्लस डी, ठीक? ये अगर शॉर्टकट की आप लोग यूज करेंगे तो आप लोगों का करंट डेट जो है वो आपके डॉक्यूमेंट में आ जाएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल यूज इन एमएस वर्ड 2007 डॉक्यूमेंट? आप लोगों को पूछ रहे हैं 2007 मतलब जो नया वाला है, ठीक है, उसमें आप लोगों का डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल क्या होता है एमएस वर्ड में, ठीक है? ये है कैलिब्री, ठीक है? आपका जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है मैं भी यहाँ पे ऐड कर दिया हूँ उसके साथ ही साथ, ठीक
कैलिब्री आप लोगों का 2007 के बाद कैलिब्री आपका डिफॉल्ट फॉन्ट स्टाइल हो गया है, ठीक है, और वो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज जो है वो 11 पॉइंट का होता है, ठीक है, ये आप इस लाइन से आप लोग पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे और एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे दो रेलिवेंट और ऑप्शन है आप लोगों को। अगर कोई पूछ लिया कि 2007 के पहले वर्जन, 2007 एमएस वर्ड 2007 के से पहले एमएस वर्ड के वर्जन जो है उसमें क्या फॉन्ट साइज डिफॉल्ट फॉन्ट साइज आता था, वो आता था टाइम्स न्यू रोमन, ठीक है। और ये जो कोकिला दिया हुआ है ये क्या है, ठीक है, तो ये एक फॉन्ट साइज है जो प्राइमरीली हिंदी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स में यूज करने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो आपको मैंने इम्पोर्टेंट सिर्फ आंसर नहीं बताया, बाकी ऑप्शंस के इम्पोर्टेंस भी बता दिए मैंने, ठीक है। ऐसे आप लोग इन डेप्थ 360 डिग्री पढ़ेंगे तो आपको एक क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको 3-4 क्वेश्चन सॉल्व करने की आपकी कैपेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ एन ईमेल हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ द रिसिपिएंट, ठीक है, इसका आंसर है आप लोगों का ऑप्शन, आप लोगों का ऑप्शन 4 बीसीसी, ठीक है। क्यों बीसीसी? बीसीसी को हम लोग और एक नाम से जानते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। टू मतलब किसको जाएगा, फ्रॉम किससे आया है, ठीक है। सीसी और सीसी जो है वो कार्बन कॉपी होता है, ठीक, और सब्जेक्ट आप लोगों का जो ईमेल का सब्जेक्ट होता है वो लिखते हो आप लोग वहां पे, ठीक है। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ एन ईमेल हाइड्स द आइडेंटिटी ऑफ द रिसिपिएंट, वो है बीसीसी। उसके बाद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, तो इसका आंसर मैंने लगा के रखा है पहले से, ठीक है, वो है बिंग। हॉटमेल, जीमेल, याहू मेल, आउटलुक, ये सारे आप लोगों को ईमेल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। बिंग सिर्फ अकेला है यहाँ पे जो एक सर्च इंजन है, ठीक है। नेम द फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, पहले आप लोग हम लोग हर किसी टाइम पे एक वेबसाइट विजिट कर रहे होते हैं, ठीक है, पकड़ लीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ठीक है, व्हाट्सएप का भी एक वेबसाइट है, वो एप्लीकेशन है लेकिन उसका एक वेबसाइट भी है, ठीक है, पकड़ लीजिए यूट्यूब का अपना वेबसाइट है, ठीक है। तो जो पहला वेबसाइट था, फर्स्ट एवर वेबसाइट, उसका नाम क्या था, उसका नाम था सर्न, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन है यहाँ पे वो भी बहुत सारे बहुत जरूरी है, तो उन ऑप्शन के बारे में भी थोड़ा फर्दर मैंने डिस्कशन कर दिया है, ठीक है। www है जो है वो वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है, इंटरनेट का और एक, ठीक है, सिनोनिम है वो, ठीक है। ये फ्रेमवर्क ऑफ पेजेस, वेब पेजेस स्टोर्ड इन वेब सर्वर्स एंड कनेक्टेड टू लोकल कंप्यूटर्स थ्रू द इंटरनेट, ठीक है। आर्पानेट जो है वो फर्स्ट वर्केबल प्रोटोटाइप ऑफ द इंटरनेट, आजकल जो हम लोग इंटरनेट यूज करते रहते हैं उसका पहला जो ट्रायल था, ठीक है, प्रोटोटाइप था, ठीक है, उसका नाम था आर्पानेट। उसके बाद ऑप्शन 3 तो दिया है आर्ची, आर्ची जो है वो फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन था, ठीक है। आजकल हम लोग गूगल यूज करते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले बिंग, ठीक है, याहू भी एक सर्च इंजन था कि अभी भी है याहू एक सर्च इंजन, ठीक है, डक गो एक मतलब सिक्योर सर्च इंजन है, तो वैसे ही आर्ची पहला, दुनिया का सबसे पहला सर्च इंजन था, ठीक है। उसके बाद देखते हैं मोजैक, मोजैक जो था वो फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउजर था, ठीक है। वेब ब्राउजर हम लोग यूज करते हैं गूगल क्रोम, मोजिला, ओपेरा, ठीक है, तो इन लोगों में टेक्स्ट भी आते हैं वेब और ग्राफिकल चीजें भी आती हैं इन वेब ब्राउजर में, लेकिन पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर जो था जहाँ पे मतलब पकड़ लीजिए पिक्चर्स आते थे, ठीक, तो वो था आपका मोज़ेक। इस पे इन सब पे एक एक क्वेश्चन बन सकते हैं, इंडिविजुअल क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद वर्जन 6 ऑफ आईपी एड्रेस हैज हाउ मेनी बिट्स, आईपी एड्रेस जो था वो दो तरीके का हो सकता है, ठीक है, आईपी एड्रेस जो है वो दो तरीके के हो सकते हैं, ठीक है, IPv4 और IPv6। ये IPv6 जो है वो वर्जन 6 भी बोलते हैं इसको, ठीक है, आईपी एड्रेसेस का वो 128 बिट्स का होता है, ठीक है। तो IPv6 से पहले जो आया था, ठीक है, आईपी एड्रेसेस का जो प्रोटोकॉल था, ठीक है, उसका नाम था IPv4, ठीक है। IPv4 और IPv6 में डिफरेंसेस क्या क्या है वो मैंने स्क्रीन पे मेंशन कर दिए हैं। जो IPv4 था वो 32 बिट का था, ठीक है, और IPv6 जो है वो 128 बिट का है। ये पूछ सकते हैं आप लोग, IPv4 के ऊपर क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। IPv4 जो था, ठीक है, वो न्यूमरिक था सिर्फ, ठीक है, ओनली न्यूमरिक, ठीक है, ओनली न्यूमरिक। और IPv6 जो है वो अल्फा न्यूमरिक है, ठीक है, और पहले वाला जो था वो IPv4 था, अभी जो आ गया है वो IPv6 है।
उसके बाद फिर से देख लीजिए, एक आप लोगों को शॉर्टकट की के ऊपर क्वेश्चन है कि हाइपरलिंक इंसर्ट अगर करना है आप लोगों को तो कौन सा शॉर्टकट की यूज करना है। इसका आंसर है आप लोगों का Ctrl+K। ठीक है, शॉर्टकट की के ऊपर एक स्पेसिफिक वीडियो आ रही है। ठीक है, कीबोर्ड के ऊपर जो वीडियो आ रही है उसमें डिटेल में जितने भी पॉसिबल शॉर्टकट कीज हैं उन लोगों के ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है Ctrl+K। ठीक है, फोर्थ जेनरेशन इज फेमस फॉर। फोर्थ जेनरेशन पूछ रहे हैं कंप्यूटर्स का सबसे फेमस किस चीज के लिए है। इसका जो आंसर है वो है माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, और मैंने इन डिटेल और दे दिया है कि फर्स्ट जेनरेशन जो थे कंप्यूटर्स के, ठीक है, वो किस चीज के लिए जरूर इंपॉर्टेंट है, और उनका जेनरेशन का टाइमलाइन भी दे दिया है यहाँ पे, और इवॉल्विंग हार्डवेयर भी दे दिया है, जो हार्डवेयर चेंज होते 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 आज का जेनरेशन में पहुंचे हैं। ठीक है, तो पहले वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था, उसके बाद ट्रांजिस्टर बेस्ड इंटीग्रेटेड आईसी। आपको अगर थर्ड जेनरेशन के बारे में पूछ देते हैं तो आप लोगों को आईसी बताना पड़ेगा। ठीक है, तो थर्ड जनरेशन यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, 1960s से 1970s आईसी बेस्ड था। और फोर्थ जनरेशन अभी चल रहा है वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड है। फिर फिफ्थ जनरेशन जो आने वाला है तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड होगा। ठीक है, प्रोसेसर स्पीड इज अफेक्टेड बाय। जो प्रोसेसर आपका कंप्यूटर का प्रोसेसर का स्पीड होता है वो कौन से चीज से मापा जाता है, वो आपका होता है सिस्टम क्लॉक रेट। ठीक है, आपको आप लोग अपने कंप्यूटर में जाके, ठीक है, माय कंप्यूटर में आप लोग राइट क्लिक करेंगे और प्रॉपर्टीज में जाके देखेंगे तो आप लोगों के कंप्यूटर के, ठीक है, कितना गीगा हर्ट्स आप लोगों का स्पीड है। ठीक है, क्लॉक स्पीड बोलते हैं उसको, वो भी आप लोगों को दिखा देगा। मेरे कंप्यूटर का 3.5 GHz है। ठीक है, वो GHz, ठीक है, वो 2.4 GHz भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी तरीके का स्पीड में हो सकता है। 3.5 GHz स्पीड बहुत ही एडवांस्ड है और बहुत ही अच्छा स्पीड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका पूछ रहा है द इंटरनेट यूजेस। इंटरनेट किस तरह का पैकेज स्विचिंग यूज करता है। ठीक है, इसका जो आंसर है वो है, ठीक है, पैकेज स्विचिंग। मैंने बता ही दिया आप लोगों का जो आंसर है वो बता दिया मैंने। ठीक है, वो सर्किट स्विचिंग भी नहीं है, हाइब्रिड स्विचिंग भी नहीं है, वो है पैकेज स्विचिंग। ठीक है, तो व्हाट टाइप ऑफ की आर कंट्रोल की एंड शिफ्ट की। ठीक है, इन दोनों कीज को क्या, किन तरीके का की इन लोग ये लोग हैं। ठीक है, ये आप लोगों को फ्यूचर में जो आप लोगों का कीबोर्ड के ऊपर वीडियो बन रहा, वीडियो आ रहा है, ठीक है, उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा कि कंट्रोल ऑन शिफ्ट की कैसे की है। इन जो इन कीज को हम लोग मॉडिफायर कीज बोलते हैं। ठीक है, क्यों मॉडिफायर कीज बोलते हैं, क्योंकि इनके साथ अगर आप दूसरे कीज को यूज करेंगे, ठीक है, पकड़ लीजिए कंट्रोल के आपका हाइपरलिंक के लिए शॉर्टकट था, के आप नॉर्मली दबाएंगे तो के लेटर लिखेगा। ठीक है, अगर कंट्रोल के साथ के यूज करेंगे तो एक नया फंक्शन हो गया, इसलिए ये दूसरे कीज के फंक्शंस को मॉडिफाई करते हैं तो इनको मॉडिफायर कीज नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ। ऑपरेटिंग सिस्टम किस चीज का एक एग्जांपल है, क्या वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या ऐप, ऑपरेटिंग सिस्टम तो आपका ऐप नहीं होता है। क्या ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, नहीं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके ड्राइवर सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। क्या ये एक कंपाइलर है, नहीं। कंपाइलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पार्ट है। ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आपके कंप्यूटर को चलने के लिए, उसके सिस्टम को चलने के लिए जो सॉफ्टवेयर चाहिए होता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, शॉर्टकट की टू इंसर्ट करेंट टाइम इन MS Excel। MS Excel में फिर से एक शॉर्टकट की के ऊपर क्वेश्चन आ गया आप लोगों का। ठीक है, कौन सा शॉर्टकट की यूज करके आप लोग करंट टाइम जो है MS Excel में इनपुट कर सकते हैं, वो है Ctrl+Shift+Semicolon। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैंने आप लोगों को करेंट डेट का भी शॉर्टकट की दे दिया है। और ऑप्शन नंबर आप देखिए, मैंने इंफॉर्मेशन जो प्रोवाइड किया है उसमें 3 नंबर जो है वो है टू इंसर्ट द करेंट डेट एंड टाइम, प्रेस Ctrl+Semicolon, देन प्रेस स्पेस, उसके बाद आप लोगों को एक स्पेस देना पड़ेगा, एंड देन प्रेस Ctrl+Shift+Semicolon, तब आप लोगों का करेंट डेट और करेंट टाइम एक साथ आ जाएगा। ठीक है, आप लोग हर एक क्वेश्चन का देखिए, मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाल रहा हूँ। इस इन्फॉर्मेशन को भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आप लोग अगर नोट डाउन कर रहे हैं, लेकिन ये आप लोगों को PDF में भी अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, आप लोग मुझे मैसेज कीजिएगा, आप लोगों को मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, आप लोगों को इससे फिर नोट्स लिखना ईजी हो जाता है। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन। जो आइटम आप लोगों ने कट किया हो तो टेम्पोरली कहाँ स्टोर होता है, तो उस जगह का नाम है क्लिपबोर्ड। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, बहुत सारे प्रोग्राम्स में दिखता है कि
गो टू क्लिपबोर्ड, क्लिपबोर्ड में क्या क्या आप लोगों ने टेम्पोरिली सेव करके रखा है, ठीक है, कट और पेस्ट करने के दौरान वहां पे दिखा देगा, ठीक है। UTF-8 एंड UTF-16 आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, ठीक है। UTF-8 और UTF-16 जो है वो कैरेक्टर एनकोडिंग है, ठीक है। तो कैरेक्टर एनकोडिंग, ठीक है, बहुत सारे कैरेक्टर्स को मतलब बाइनरी में आप लोगों का एक स्पेसिफिक वैल्यू असाइन करना रहता है, तो UTF और UTF-8 और UTF-16 उसी के एक एक प्रोटोकॉल है, ठीक है। अच्छा, अगले क्वेश्चन में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18, मोस्टली यूज डेट फॉर्मेट इन कंप्यूटर इज, ठीक है, वो है आप लोग का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, MMDDYY, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज गटर मार्जिन, गटर मार्जिन क्या होता है, ठीक है। गटर मार्जिन वो मार्जिन होता है, पकड़ लीजिए आप लोगों को बहुत सारे पेजेस एक साथ प्रिंट करने पड़ रहे हैं, ठीक है, आप लोग एक थेसिस लिख रहे हैं, ठीक है, उसके लिए उसके बाद आप लोग तो उसको खुला कहीं लेने जाएंगे, उसको आप लोग बाइंडिंग करवाएंगे, ठीक है, बंधवाएंगे, तो क्या होगा आप लोगों का, अगर एकदम एक एंड से दूसरे एंड तक आप लोगों ने सिर्फ लिख दिया होगा तो क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिंटिंग है वो थोड़ा सा ढक जाएगा, ठीक है। तो उस एरर को मतलब ये करने के लिए, नेग्लेक्ट करने के लिए, हम लोग क्या करते हैं, एक मार्जिन ऐड कर देते हैं लेफ्ट साइड में, तो उसको बोलते हैं गटर मार्जिन, ठीक है, मार्जिन दैट इज एडेड टू द लेफ्ट मार्जिन व्हेन प्रिंटिंग, उसको बोलते हैं गटर मार्जिन, ठीक है। फॉर ए ड्रॉप कैप बाई डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइन, अभी ड्रॉप कैप क्या होता है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है, जिससे डिफॉल्ट इसका आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। पकड़ लीजिए आप एक नया नॉवल खरीद लिए हैं, उसमें एक फॉन्ट ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, उसमें क्या होता है कि कभी कभार पहला लेटर जो होता है वो एक बड़े बड़ा अक्षर होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं ड्रॉप कैप कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है। ड्रॉप कैप जो होता है वो बाय डिफॉल्ट कितने लाइंस कवर करता है, वो 3 लाइंस हाई होता है, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ इसके बारे में बताया नहीं जा रहा है, इसके बारे में एग्जांपल्स दिखाए जा रहे हैं, हर जहां पर भी रेलिवेंट है आप लोगों को एग्जांपल्स दिखाए जा रहा है, ताकि आप लोगों का एक मेमोरी बन जाए, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को फिर से, ये क्वेश्चन अगर एनकाउंटर किए तो आप लोगों को मतलब झट से आप लोग आंसर कर पाए, ठीक है। उसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूल बार, ठीक है। तो आप लोग अगर किसी भी एमएस वर्ड में चले जाएं, ठीक है, एक्सेल में चले जाएं, तो उसका जो फॉन्ट का साइज सिलेक्शन टूल है वहां पर जाके अगर आप लोग सेलेक्ट करें तो आप लोगों को दिख जाएगा ये, इसका आंसर है 8 and 72, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी लगा दिया है, जो मिनिमम होता है वो 8 होता है, वो हाइस्ट होता है फॉन्ट साइज, इससे भी ज्यादा आप कर सकते हैं, और इनके इन वैल्यूज के बीच में भी आप डाल सकते हैं, लेकिन उनको आप लोगों को टाइप करना पड़ेगा, डिफॉल्ट नहीं आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड सॉफ्टवेयर इंटरफेस टू हार्डवेयर डिवाइसेस इज कॉल्ड, एक प्रोग्राम जो सॉफ्टवेयर इंटरफेस प्रोवाइड करता है हार्डवेयर डिवाइसेस के लिए, उसको क्या बोलते हैं, ये प्रोग्राम को बोलते हैं हम लोग डिवाइस ड्राइवर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर ये होता है कि आप लोग पकड़ लीजिए, आप लोग एक प्रिंटर ले लिया नया, आपके कंप्यूटर को तो पता नहीं है कि वो तो ऐसा बिल्ट इन एक्सेसरी नहीं है, ठीक, उसके लिए आप लोगों के कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को एक मतलब गैप प्रोवाइड करना पड़ता है, एक ब्रिज प्रोवाइड करना पड़ता है, उस ब्रिज को हम लोग डिवाइस ड्राइवर करते हैं, ठीक, कहते हैं, ठीक है। आप लोगों को पता होगा अगर फॉर्मेट किए होंगे आप अपना कंप्यूटर कभी, आप लोगों को फिर से ड्राइवर्स इंस्टॉल करने पड़ते हैं वहां पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अ सेट ऑफ ANSI पैरेलल इंटरफेसेस दैट अलाउ पर्सनल कंप्यूटर्स टू कम्युनिकेट विद पेरिफेरल्स, ठीक है, तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। ये होता है आप लोगों का जो एक ANSI पैरेलल इंटरफेस जो कंप्यूटर्स को कम्युनिकेट पेरिफेरल्स के साथ करने के लिए अलाउ करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24, फर्स्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी आप लोगों को मैं ब्रीफली बता देता हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड और टेक्स्ट ओरिएंटेड क्या होता है, ठीक है। पकड़ लीजिए अगर कैरेक्टर ओरिएंटेड आप लोगों का मतलब कैरेक्टर ओरिएंटेड बोल रहा हूँ कैरेक्टर ओरिएंटेड आप लोगों का अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो गया, ठीक है, वो ओवरलैप करता है कभी कभार, तो इसलिए हम लोगों ने एक नया तरीके का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्रिएट किया जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। उसमें से पहला जो है, ठीक है, पहला प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कैरेक्टर ओरिएंटेड था उसका नाम क्या है, उसका नाम था आपका सिमुला, ठीक है। इसी के ऊपर एक दूसरा क्वेश्चन भी है, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो सिर्फ ऑब्जेक्ट्स के ऊपर मतलब कैरेक्टर ओरिएंटेड बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, वो है आप लोगों का स्मॉल टॉक, ठीक है। साइज ऑफ टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर, अभी मैं आप लोगों को बता रहा था कि कंपाइलर एक पहले से क्वेश्चन में भी आया था। कंपाइलर क्या होता है, पकड़ लीजिए आप लोगों ने एक कोड लिखा, ठीक है,
जावा में लिखा, पाइथन में लिखा, कहीं भी लिखा आप लोगों ने, ये जो कोड आप लोग जिस फॉर्मेट में लिखे हैं उस फॉर्मेट में कंप्यूटर को समझ नहीं आता है। तो कंप्यूटर को समझने के लिए उसको फिर वंस एंड जीरोज में कन्वर्ट करने पड़ते हैं, हम लोगों को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो प्रोग्राम इसी काम को करता है उसको बोलते हैं कंपाइलर, ठीक है। टर्बो सी और टर्बो सी प्लस प्लस कंपाइलर जो है वो कितने बिट का होता है, वो 16 बिट का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन भी इंक्लूड कर दिया है, ठीक है। टेलनेट इज ए डेस्क बेस्ड कंप्यूटर प्रोटोकॉल, ठीक है। टेलनेट एक कंप्यूटर प्रोटोकॉल है, ठीक है, जो आप लोगों के कंप्यूटर में जो डिवाइसेस लगे हुए हैं उनका चेक करता है, उनको चेक करता है, ठीक है। ये टेलनेट जो है, बहुत सारे पकड़ लीजिए, आप लोग किसी डिवाइस को लगाए तो एक साउंड फीडबैक आया, ठीक है, या इमेज फीडबैक आया। ये टेलनेट जो है वो स्पेसिफिक फीडबैक है, वो टेक्स्ट फीडबैक देता है। इसका एग्जाम्पल मैंने लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। वो जैसे कि आप लोगों का टेलनेट सॉफ्टवेयर जो रन हो रहा है, ठीक है, telnet.exe, ठीक है, वो कैसा फीडबैक दे रहा है, टेक्स्ट फीडबैक दे रहा है हम लोग को, ठीक है। Among these, which is the type of question number 28, type of proxy server. Proxy server हम लोगों ने हर किसी ने यूज किया ही होगा, ठीक है। बहुत सारे इंटरनेट वेबसाइट जो होते हैं वो ब्लॉक होते हैं दूसरी कंट्री में, अगर दूसरी कंट्री से का न्यूज आप सुनना चाहते हैं वो ब्लॉक कभी कभार होता है, तो उसको सुनने के लिए आप लोगों को VPN लगाना पड़ता है, वर्चुअल प्रॉक्सी नेटवर्क। तो ये प्रॉक्सी सर्वर जो होता है वो इनमें से कौन सा प्रॉक्सी सर्वर है, एनोनिमस प्रॉक्सी, फॉरवर्ड प्रॉक्सी, रिवर्स प्रॉक्सी, SSL प्रॉक्सी, तो ये सारे जो है वो प्रॉक्सी सर्वर के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 5, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। और प्रॉक्सी, फॉरवर्ड प्रॉक्सी और बैकवर्ड प्रॉक्सी, कैसे हम लोग एक नेटवर्किंग के ऊपर एक वीडियो लाने जा रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों को हम लोग प्रॉक्सीज के बारे में भी बता देंगे, ठीक है। और ये एक सिंपल सा आप लोगों को डायग्राम मैंने बता दिया है, ठीक है, प्रॉक्सी कैसे काम करता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 इज, HTML वाज क्रिएटेड इन व्हिच ईयर। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है एक कंप्यूटर कोडिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जो आप लोगों का कौन से साल में बनाया गया था, ठीक है। इसका आंसर है आप लोग का ऑप्शन नंबर 1, 1991, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक एप्लेट्स, ठीक है। एप्लेट्स एक्चुअली प्रोग्रामिंग में ग्राफिक्स की तरह ही होता है, ठीक है। तो इसको करने बनाने के लिए आप लोगों को कौन से तरीका का आपका प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, ठीक है, वो है जावा, ठीक है। एप्लेट इज अ प्रोग्राम रिटन इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैन बी दैट कैन बी इंक्लूडेड इन HTML पेज, ठीक है। इसके साथ आज का जो डिस्कशन था हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, ये यहाँ ही पे खत्म होता है, ठीक है। अगर इसके साथ रिलेटेड आप लोगों को PDF चाहिए है, ठीक है, और आप लोगों को MCQs और चाहिए होंगे, ठीक है, तो मैंने नेक्स्ट पेज में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दिया है यहाँ पे। और जो हमारा बैच है एग्जाम प्रिपरेशन बैच फॉर ऑल रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको बहुत सस्ते में मैंने अवेलेबल करा दिया है सबके लिए, सिर्फ 799 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप लोगों को मैंने एक QR कोड भी डाल दिया है यहाँ पे, जीपे लिंक भी दे दिया है आप लोगों को इसमें, मतलब जीपे में आप लोग पेमेंट करने के बाद व्हाट्सएप नंबर पे आप अपना स्क्रीनशॉट, अपना नाम, अपना ईमेल एड्रेस सेंड कर दीजिएगा, तो आप लोगों को हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन, ठीक है, डेली नोटिफिकेशन, क्योंकि डेली वीडियोज अपलोड होने वाले हैं डेली, आप लोगों उसके साथ के जो PDF, ठीक है, मॉक टेस्ट, ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन जो है आप लोगों को वहाँ पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है।